आज चौथा विषय, चौथा विषय बोले लेप का विषय है। गोपियां लेपन कर रही हैं साहब, लेपन। अच्छा लेपन क्या होता है पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं, जिसको आज हम लोग जो मकानों में जो है वो दिवाली के समय पे पुताई पुताई करवाते हैं। गांव में आप जाइए तो गांव में गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता है, गांव में गाय के गोबर से बाहर का जो बैठने की जो जगह है ना चबूतरा चौतरा उसको गाय के गोबर से लीपा जाता है। गोपियां गाय के गोबर से चौतरा लीप रही है, गाय के गोबर से गोपियां जो है आंगन लीप रही हैं, गाय के गोबर से गोपियां घरों की दीवारों को लीप रही हैं नियमित रूप से। चौका चूल्हा लीपा जा रहा है गाय के गोबर से। अब आजकल तो गाय का गोबर का वो बच्चे को आप खड़ा कर दो हो साहब, वो कहते ओ व्हाट इज दिस सो स्मेली, अरे स्मेली नहीं है, व्हाट अ गुड स्मेल। ये गाय के गोबर के अंदर ऑक्सीजन और ओजोन गैस उसका वो जो है पाई जाती है, उस कारण से जरा विचार करिए, उस कारण से गाय को हमारे यहां पर मां कहा जा रहा है। और जब मां कहा जा रहा है तो विचार करिए स्थिति क्या है, जरा विचार करिए। यहां पर बड़ा सुंदर भाव है कि वह लेपन कर रही है कि यादो हने वहनने मथनो बलेप। अच्छा लेपन किसका कर रही है, बोले लेपन घर का कर रही है। अप्रत्यक्ष तौर पर अगर लेपन देखा जाए तो घर क्या है जरा विचार करिए, अप्रत्यक्ष तौर पर अगर लेपन देखा जाए, लेपन लेप किसका, बोले घर का लेप कर रही। अच्छा घर क्या है, इस आध्यात्मिक जगत में इस जीवन के चरित्र में अगर हमको घर देखना हो तो क्या ये ईंट और गारे के बने हुए मकान को हम घर कहते हैं? नहीं साहब, ये घर नहीं है, ये घर नहीं है। तो घर क्या है, बोले ये शरीर घर है, इस शरीर के घर का लेपन कर रही है। आहा लेपन कर रही है, बोले हाँ। अच्छा लेपन किससे कर रही है, मेरा विचार करिए, लेपन किससे कर रही है, चंदन से कर रही है नहीं, कुमकुम से कर रही है नहीं, सौंदर्य प्रसादनों से कर रही है नहीं, तो किससे कर रही है साहब लेपन, भगवान नाम से लेपन कर रही है। भगवान नाम को उन्होंने इतना ज्यादा पी लिया है और नियमित रूप से यादो हने वहनने मथनो पलेपा, बोले भगवान का स्मरण, भगवान का स्मरण करती हुई गाय के दूध का दोहन करती है, दोहती है, वहन कर रही है, घर में ला रही है, गाय का दूध निकाल करके घर में ला रही है और घर में ला करके पूरे घर को चला रही है। मथनो पलेप मंथन की प्रक्रिया कर रही है। कल बड़ा सुंदर हमने यशोदा चरित्र में जाना कि मंथन क्या है, मंथन कैसे किया जाए। मंथन में एक और भाव रह गया था, वो आज मैं स्पष्ट कर देता हूं। मंथन जो है केवल दूध का या दही का या उसका मंथन नहीं होता, हमारे यहां अग्नि मंथन भी होता। अग्नि मंथन अर्थात यज्ञ आदि में जब अग्नि पूजन होता है तो अग्नि पूजन से पहले मथकर के अग्नि को प्रकट किया जाता है, बाकायदा मंथन होता है, अग्नि मंथन। और उसमें हमारे आचार्य लोग, हमारे जो आचार्य लोग होते हैं जो उस यज्ञ के कर्मकांड को करवाते हैं, वही लोग इस प्रक्रिया को जानते हैं। और इस प्रक्रिया को जानते हुए वह लोग बड़े प्रेम से अरणि मंथन अग्नि मंथन उसको नाम उसका बाकायदा जो है आचार्य लोग जो है उनमें ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है, कौन कौन ब्राह्मण इस लायक है जो मत जो है अरणि वो मंथन कर सके। हल्का पतला दुबला लड़का नहीं लिया जाता उसमें, जिनके बाजुओं में दम हो, जो चला सके, जिनको प्रक्रिया मालूम हो कि मथनी कैसे की जाएगी, उनका बाकायदा वर्ण करवाया जाता है। और वर्ण करवा करके तब वो अग्नि को जब मथा, वो वहां मथा जाता, अग्नि उसमें मथने से प्रकट होती, अग्निदेव प्रकट होते,
उसी प्रकार से ये मंथन में केवल दही का मंथन नहीं है, ये मथना केवल दही का नहीं है, मथना शरीर के अंदर जो ज्ञानाग्नि है उस ज्ञानाग्नि को प्रकट करना है साहब, प्रकट करना है। जो प्रेमाग्नि है ये प्रेमाग्नि कहीं जो है भुजना जाए, प्रेम रूपी जो अग्नि, बड़ा सुंदर बिंदु जी महाराज के भजन में एक बड़ा सुंदर भाव आता है। राधा जी कहती है संभालो, उद्धव जी महाराज ने जब जाकर के समझाया है, अरे तू क्यों वृथा वृथा प्रेम राधे तू गान गाती है, तो समय राधा जी ने बड़ा सुंदर कहा, संभालो योग की पूजी न हाथों से फिसल जाए, कहीं विरह की अग्नि में तेरी ज्ञान की पोथी न जल जाए। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरह की अग्नि में तेरी ज्ञान की पोथी न जल जाए। उद्धव संभाल के रख, कोई साधारण मंथन नहीं है, गोपियों के चित्त की जो अग्नि है वही विरह अग्नि है, वही फिर प्रेमाग्नि है, ज्ञानाग्नि है, चरमोत्कर्ष है ज्ञानाग्नि का। यहां पर जाकर के वह विराग अग्नि के अंतर्गत में ज्ञानाग्नि और ज्ञानाग्नि वह उसमें प्रेमाग्नि, अग्नि के भी कई स्वरूप उसमें दिए गए। तो ये जो मंथन जो चल रहा है ये मंथन कोई साधारण मंथन नहीं, और ये जो लेपन जो हो रहा है लेपन भी कोई साधारण मत समझिए साहब, ये भगवान के नाम को जो घोल करके पी गई है गोपी, गोपी का भाव गोपी का चरित्र बड़ा सुंदर दिया गया है, अर्थात जो भगवान नाम को घोल के पी गई, गो कहते इंद्रिय को, जो इंद्रियों को घोल करके पी गई उसका नाम है गोपी। यह जो लेप की प्रक्रिया, ये लेपन है शरीर का, शरीर में भी उन्होंने बाह्य, इस बाह्य शरीर को, बाहर के शरीर को उन्होंने किस रूप से उन्होंने उसका लेपन किया हुआ है कि कहीं हमसे कोई, अच्छा गाय के गोबर से जब लीपा जाता तो मालूम है क्या होता, गाय के गोबर से जब आप पहले के समय में, पहले आज भी गांव इत्यादि में गाय के गोबर से लीपा जाता है, चबूतरा वगैरह जो बाहर बैठने की जगह होती है, पता नहीं आप लोग कभी गांव गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करूं कि जो घर के बाहर एक चबूतरा बना हुआ होता है, आने जाने वाले लोग उस पर बैठते हैं, वहीं पर बैठ करके जो है पहले बात होती है, घर के बाहर ही बैठाया जाता है, तो वहां पर बैठ करके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बैठ कर, तो उस चबूतरे पर बड़ा सुंदर जो गाय के गोबर से लिपा हुआ चबूतरा होता है उसके ऊपर धूल नहीं जमती, धूल के कण नहीं जमते, गाय के गोबर से लिपे हुए ही जगह पर जो है विषाणु नहीं फैलते, कीटाणु नहीं फैलते, गाय के गोबर से लिपे हुए जगह पर विषाणु नहीं फैलते, कीटाणु नहीं फैलते, जरा विचार करिए, गाय के गोबर की इतनी महत्ता है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है गोपियों ने, अर्थात बोले प्रभु के नाम से अपने शरीर का लेपन किया हुआ, प्रभु के नाम से उन्होंने लेपन किया हुआ है। एक बड़ा सुंदर भजन आता है कि माँ जो है माथे पर अलग नाम लिखा गया है, गालों पर अलग नाम लिखा गया है, हाथों पर अलग नाम लिखा गया है, भगवान के कई स्वरूप नाम लिखे गए, जरा विचार करिए। तो उन्होंने हर जगह पर भगवान के नाम को, नाम का उन्होंने लेपन किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग, ये हम लोग जो मस्तक के ऊपर ये चंदन लगाए हुए हैं भगवान का चढ़ा हुआ चंदन है, भगवान का जो चढ़ा हुआ जो उतरा जो निर्माण बड़ा किया गया जो चंदन का भाव है वही जो है इस मस्तक पर विराजमान है, अर्थात भगवान का चढ़ा हुआ चंदन हमने अपने मस्तक के ऊपर, अपने संपूर्ण शरीर के ऊपर जब हम लेप करते हैं भावना यही रहती है कि प्रभु का चढ़ा हुआ जो प्रसाद है उस प्रसाद से वह जो आशीर्वाद है उस आशीर्वाद को हम अपने मस्तक पर धारण करें, हम उसका तिलक लगवा। ये गोपियों ने जो लेपन किया हुआ है ये जरा विचार करिए, ये लेपन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, लेपन अर्थात भगवान नाम से, भगवान नाम से
जिन्होंने अपने संपूर्ण अंग पर लेपन कर, और भगवान नाम से लेपन करने का बड़ा सुंदर भाव है। क्या है कि भगवान नाम से जब हम लेपन करते हैं तो क्या होता है, जरा विचार करिए। वह हमको ये भगवान नाम के द्वारा किया गया लेपन हमको कई सारे दुर्गुणों से, हमें कई सारी अशुद्ध वस्तुओं से, हमें कई सारी गलत रास्तों से बचाता है, कई सारे गलत चीजों से हमें बचाता है। जरा विचार करिए, तो भगवान का वह जो लेपन है, वह लेपन कोई साधारण गोपियों ने कोई साधारण लेपन नहीं किया। किया दोहने वहनने वधनो बलेप, लेप भी किसका, बोले गाय के गोबर का। गोबर का लेप का अर्थ अभिप्राय क्या है, जरा विचार करिए। गो कहते हैं इंद्रियों, इंद्रियों जिसने अपनी संपूर्ण, अपनी इंद्रियां संपूर्ण, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार हर तत्व जिसने प्रभु के नाम के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेम गंगना विरोध तो क्षण मार्जना दो, एक क्षण भी गोपियां भगवान के श्री कृष्ण के स्मरण से विमुख नहीं होती। एक क्षण भी स्त्रियां, एक क्षण प्रेम के घना विरोध दो क्षण मार जना दो, एक क्षण भी गोपियां भगवान के स्मरण से दूर नहीं होती। और जब भगवान के स्मरण से, भगवान के विचार से, भगवान की वाणी से, भगवान के जो है दृष्टि से, जरा विचार करिए, वह अपने को दूर नहीं मानती भगवान। एक एक रहस्य की बात और मैं आज आपको बताता हूं, वह रहस्य की बात है, बड़ी सुंदर चर्चा है वो।